पास में रहे हैं। हेलो हेलो एंड वेलकम मित्रों, आप देख रहे हैं प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म और अभी मैं यहाँ आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन प्रतापगढ़ दरियावत में हूँ। आज यहाँ सम्मेलन का तीसरा दिन है और हमारे सब साथी देख रहे हैं आप, ये सभी हमारा टीम है, बहुत बड़ी टीम हमारी रेल मंगरा और रासवन से आई हुई है। काफ़ी लोग निकल चुके हैं, आज तीसरा दिन है और तीनों दिन से आप लोगों की यहाँ सेवा दे रहे हैं और पूरा कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। आप प्रत्येक कार्यक्रम में जो जहाँ आदिवासी सम्मेलन होता है तो आप बढ़ चढ़ कर रासवन से भी युवा भाग ले रहे हैं और आने वाले समय में हम हल्दीघाटी, हमारा राजस्थान का एक ऐतिहासिक स्थल है हल्दीघाटी में भी हमारा यही टीम तैयार हो रहा है और हम अगला सम्मेलन भी हल्दीघाटी में करने की पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जोहार। ठीक, कहाँ से हैं सर आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं, कब आना हुआ सर यहाँ? तीन दिन से हैं। सर आप यहाँ का कोई अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ? यहाँ का ऐसा अनुभव होता है कि पूरा हर कानी कोपरे से सब आदिवासी एक हो रहे हैं, जान पहचान बढ़ती है जी। पूरा देश के कोने कोने से आदिवासी यहाँ आते हैं इस सम्मेलन में और यहाँ आकर अपना जो परिवार है आदिवासी परिवार से मिलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और काफ़ी आपस में मेल मिलाप होता है सभी आदिवासी भाइयों का और अपने विचारों का भी आदान प्रदान होता है। आप कहाँ से हैं जी? नासिक, महाराष्ट्र से। पूरा अच्छा, ये पूरा नासिक महाराष्ट्र से आया हुआ ग्रुप है जो। कितने का है भैया ये सेट? 700 रुपये में क्या आएगा इसके साथ में? और 513 है। कहाँ से हैं आप? हम बलवाड़ी एमपी से। अच्छा, वो टोकरी वगैरह भी बताइए ना। अच्छा, क्या बोलते हैं सर इसको? लकड़ी बोलते हैं। हाँ, नाचने के लिए। सर 2 मिनट है ना। सर आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र नंदुरबार जिला तड़गाव से। अच्छा अच्छा, यहाँ का प्रतापगढ़ दरियावाद में यह 29वां आदिवासी एकता महासम्मेलन चल रहा है तो आप इस सम्मेलन के बारे में कुछ जानकारी देंगे? ये आदिवासी एकता परिषद एक वैचारिक आंदोलन है, पिछले 28 सालों से साल भर में 13, 14, 15 जनवरी को ये सम्मेलन होता था लेकिन इस बार कोरोना महामारी के वजह से यह सम्मेलन मई महीने में रखा गया है और यहाँ इस सम्मेलन में देश भर के कोने कोने से कार्यकर्ता आते हैं। यहाँ जे जो विचार दिया जाता है वो विचार लेके अपने गांव में, अपने कस्बे में जाके वहाँ काम शुरू करते हैं और ये इस वैचारिक आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं जी। धन्यवाद, आप का भी स्वागत है हमारा प्रकाश आदिवासी म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर और आप भी अपना आदिवासी एकता परिषद और महासम्मेलन से जुड़ा हुआ विचार शेयर करेंगे। आप कहाँ से हैं जी सर? हम नंदुरबार जिला तड़गाँव जी, पहाड़ों में रहते हैं जी। कब से जुड़े हुए हैं सम्मेलन से? हम तो उसने बोला वो ही चलते। ठीक, और कोई? हाँ, आप जोहार, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पर। जोहार, आपकी जय। आप सम्मेलन में कब आए हैं? हम वैसे तो सम्मेलन में
नहनुत से चल रहे हैं जी। और आदिवासी एकता परिषद का ये देश भर का जो संगठन है उसमें हम बहुत सालों से मतलब 1999 से जुड़े हुए हैं और देश भर के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और संस्कृति और कला और भाषा उनको बचाने के लिए आदिवासी एकता परिषद का बहुत बड़ा प्रयास है। उसमें सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है और वैसे भी हम पहाड़ी क्षेत्र में से है सतपुड़ा में से, तो वहाँ का संगठन अच्छा बढ़े इसलिए युवा साथी और सभी कार्यकर्ता जोरदार तरीके से काम करते हैं। जी बताओ आपकी जय। ये कितने का है भैया? 3,000। शादी ब्याह मांगलिक कार्य में काम आता है ना? अच्छा ये कितने की है बहन? ये 100 रुपए की है। अच्छा 100 रुपए। हाँ ये 100 रुपए शादियों में काम करते हैं। आदिवासी किसान संस्कृति है ये, शादी में ले जाते हैं अपने आदिवासी महिला तो शादी में खाना खिलाने ले जाते हैं। इसमें एक ही वैरायटी है ये? अच्छा गूगल पे वगैरह भी है? अच्छा 2 मिनट आते हैं वापिस। हम ये कितने का सेट है भैया? ये 700 रुपये का है। 700 रुपये का? 700 रुपये मीटर। 700 रुपये में 5 तीर और धनुष, देसी धनुष मिलेगा। कहाँ से हैं आप? गुजरात। गुजरात गुजरात से। अच्छा और ये वाले जो दिख रहे हैं ये इनका वो वाला वो 5 तीर ने वो 1,000 रुपये में सेट है। ये 1,000 में? अच्छा किसको? हाँ वो लगाओ ना यार फोन, नहीं लाग रही फोन तो वाने की वहाँ पे वाने पास भी हमारा नंबर है, अगर कटे मिले तो कीजिए ना। अरे हमारा तो फोन ही बंद है यार। सुनील जी लगा दू? हाँ सुनील जी के लगाऊ ना यार। अगला कार्यक्रम ये कहाँ पे होगा? आज तो होगा, आज बताएंगे वैसे। हाँ आज ही बताएंगे।